कल से डिस्कशन अगर देखे तो सेल्फ डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ और प्रायोरिटी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट है, इस बात को कल से हम लोग आज तक देख ही पाए हैं। और जो सेल्फ डेवलपमेंट में प्रायोरिटी बन के आएगा तो इस बात को भी देखने में मदद मिलेगी कि जो अपने अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वही डेवलपमेंट अगर हम अपने सोसाइटी और समाज तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचने में हम अपना कोई कंट्रीब्यूशन अगर कर सकते हैं तो उससे सबका एक तरह से डेवलपमेंट होगा। और उससे जो एनवायरनमेंट वाली जो एक कंडीशन बनती है जिसमें हमारे जो संस्कार के लिए एनवायरनमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो अपने आप में आपको हेल्प करने लगता है। तो इसी दृष्टि में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हुआ, रजन सर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एक ओवरव्यू दिया। इस सेशन में अगर बात करें कितने अपने प्रोजेक्ट्स हैं या एक्टिविटीज हैं उनका एक लेवल का इंट्रोडक्शन हम लोगों के साथ में रखा ही है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करने के लिए हूँ कि इतनी सारी जो एक्टिविटीज इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनमें से ग्राउंड लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनमें कितना एफर्ट कितना रिक्वायरमेंट कितना एनर्जी लग रही है और जिससे बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। उस एग्जीक्यूशन में देखा जाए तो एक जर्नी रहती है और कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है उसकी अपनी एक बैकग्राउंड है, अपना एक हिस्ट्री है और उसमें देखने जाएंगे तो एक तैयारी है। वो तैयारी आज जिस फॉर्म में हमारे सामने हमको दिख रही है या एग्जीक्यूट हो रही है वो आज की स्थिति है, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ हुआ है। तो जैसे जैसे गणेश सर ने इस बात को शेयर किया था कि जब कोरोना आया और उसके पहले फेस टू फेस एक्टिविटी सारी हो ही रही थी, तो जब कोरोना आया तो ये हुआ कि भाई अभी फेस टू फेस कैसे होगा। और सर ने जिस तरीके से शेयर किया कि एआईसीटी चेयरमैन सर ने खुद मतलब एक इनिशिएटिव लिया और उसके बेसिस पर इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑनलाइन में ट्रांसफर करने की बात हुई। तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट करते हैं तो वो जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होता है वो सिर्फ एक एक्टिविटी में नहीं होता है, वो हर डोमेन में फिर उसको शिफ्ट करने की जरूरत होती है। और उस डोमेन से अगर देखें तो जो सर्टिफिकेशन का काम है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सर्टिफिकेशन जब कह रहे हैं तो ये अल्टीमेट बात है सर्टिफिकेट मिलना, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने से पहले बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत से ऐसे टास्क हैं जो हमको करने होते हैं। तो मुझे ध्यान है जब 2020 में ये एक्टिविटी अप्रैल में स्टार्ट हुई थी तो अपने पास जो कुछ भी अवेलेबल था वो अपने लिए ही नहीं पूरी टीम के लिए सब कुछ बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया था। हमारे लिए पर डे ये होता था कि हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम है कि कल जो हम करने वाले हैं या जो कल हमारी ज़रूरत है उसको हम कैसे अप्रोप्रिएटली करेंगे, लेकिन इस बात का ज़रूर कॉन्फिडेंस था कि चूंकि ये पूरा टीम वर्क है तो कर तो लेंगे। कैसे करेंगे कैसे नहीं होगा बैकग्राउंड में बहुत सारा डिस्कशन हुआ ही करता था, तो पूरी टीम उसमें पार्ट करती थी। कई सारे चीज़ें थी, कई सारे डोमेन्स थे जिसमें ट्रांसक्रिप्ट वन ऑफ द डोमेन था, वन ऑफ द पार्ट था। तो एक ही ट्यूब में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे भैया के साथ में सारा काम हो ही रहा था। भैया ने मेरे को बोला कि आप इसमें करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जैसा आप लोग कहते हैं जैसा आप गाइड करेंगे वैसा हम लोग कर पाएंगे। फिर सर के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को करना हुआ और अगर पूरा देखा जाए तो पूरा जो एक व्यू है उसमें व्यू को डेवलप करने में पूरी टीम ने एक व्यू दिया है, व्यू मदद करी है और वो फिर मटेरियलाइज हो पाया है। तो शुरू में ये था कि किन कारणों से किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटीज कैसे भी हो रही हैं किसी भी तरीके से हो रही हैं और सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविटी में कोई पार्ट कर जाए और हम उसको सर्टिफिकेट दे दें
इससे जो इस सब्जेक्ट की इस विषय की जो गहराई है वो बहुत अच्छे से ट्रांसफर नहीं होती, और हर व्यक्ति जो इसके साथ जुड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए भी हो सकता है जुड़े बिकॉज एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसको ले लिया जाए। इसलिए इस एक्टिविटी को इस तरीके से रखना था जिससे कि ये पूरी एक्टिविटी इंटरैक्टिव भी हो सके, इंगेजिंग भी हो सके, लर्निंगफुल भी हो सके और फ्रूटफुल भी हो सके। इन सारे ही इंग्रेडिएंट को शामिल करने के लिए कई चीजों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी। इसके पीछे दो पर्पस बने, एक तो व्यक्ति प्रॉपरली इन्वॉल्व हो सके, दूसरे वो व्यक्ति इन्वॉल्व होने के साथ साथ इंगेज हो करके लर्न भी कर सके, हर पॉइंट पे वो लर्निंग कर पाए। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी एक्टिविटीज स्टार्ट करी गई और ये जो चीजें मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिखी हैं ये चीजें मेटेरियलाइज होने में एक लंबा समय लगा है कि क्या रखना चाहिए और क्या रखने से उसकी इफेक्टिवनेस आएगी। इन सारी चीजों के लिए मुझे ध्यान आता है कि जब हम लोग काम करते थे तो दिन में तो ये वर्कशॉप हुआ करती थी, शाम और शाम के बाद रात और देर रात तक इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता था, इन सारी चीजों को एक शेप देने के पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो सब पे जब डिस्कशन हुआ तो ये निकल के आया कि व्यक्ति की जो स्थिति है वो अभी करंट स्थिति क्या है वो भी हम उसका आकलन करें। व्यक्ति जब वर्कशॉप से गुजर चुका है तो उस समय उसकी स्थिति में कितनी गति आई है उसको भी हम देख सकें, और डे टू डे बेसिस पर भी उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको भी हम देख सकें। तो इन एक्टिविटीज के लिए प्री सर्वे, पोस्ट सर्वे और असाइनमेंट डेली बेसिस पे है ना डिजाइन किए गए, 4 दिन के असाइनमेंट डिजाइन किए गए। ये एक्टिविटी हो इसके पहले बहुत सी और भी चीजें होती, जैसे AICTE में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस कैंडिडेट करता है, उस प्रोसेस के बाद में उसकी सीट आती है, फिर हमारी टीम जो है वो बैकग्राउंड में, अभी तो हम लोग मंडे ट्यूसडे से एक्टिवेट हो जाते हैं एक मंडे की वर्कशॉप करने के लिए, और बैकग्राउंड में बहुत सारे हमारे टीम के मेंबर्स होते हैं जो इन एक्टिविटीज को काम करते हैं, और कुछ ऑन स्क्रीन रोल्स होते हैं, कुछ ऑफ स्क्रीन रोल्स होते हैं। तो जो PPI का काम है ऑन स्क्रीन है, FAQ का काम बेसिकली ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही होता है, हेल्प डेस्क हमारी पूरी ऑन स्क्रीन तो लगी ही रहती है, रजिस्ट्रेशन का काम वर्कशॉप के पहले ही होता है, पोल की एक्टिविटी ड्यूरिंग दी वर्कशॉप होती है, उसके साथ साथ ये जो PPT प्रेजेंटेशन और जूम ऑपरेशन, जूम सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन होता है पूरी वर्कशॉप में, ये सब एक्टिविटीज हैं। और ये सारी एक्टिविटीज हमारे वॉलेंटियर्स अलग अलग जगहों पे अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठ के करते ही हैं। तो कोई एक जो वर्कशॉप होती है उसमें एक लंबी टीम लगती है और बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड में रोल होता है और उनके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये जितना सारा हम लोगों का ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है उसको फ्रूटफुल ऑर्डर में लेने के लिए ये गूगल के थ्रू हम कैंडिडेट का जो असेसमेंट है वो रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बहुत सारी चीजें मिनट टू मिनट मॉनिटर करते हैं, जिसमें उसकी अटेंडेंस है, पोल्स हैं, क्विज हैं, टेस्ट हैं, ये सारे हम करते हैं, और सब आप सभी उससे गुजरे हुए हैं, सारे सब लोगों ने देखे ही हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज हम उनके साथ में करते हैं। जो ये एक्टिविटीज हम उनके साथ करते हैं पर्पस आपके साथ क्लियर ही किया कि जिससे उस व्यक्ति को हम पूरी तरीके से एंगेज कर पाए, उस तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो ये पैरामीटर हमारे बेसिकली इनपुट पैरामीटर हो जाते हैं किसी वर्कशॉप से रिकमेंडेशन को जनरेट करने के लिए, और जो ये पैरामीटर हैं ये जब हम यूज करके किसी रिकमेंडेशन के लिए जाते हैं तो अपने पास एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी फाइल तैयार होती है। अगर आप देखें तो काउंट में देखेंगे तो इसकी एक फाइल होती है, इसकी एक फाइल होती है, इसकी 4 फाइल होती है। अभी अटेंडेंस के जूम में, जूम की अटेंडेंस में आएंगे तो
वर्कशॉप हैं ये आप देखे होंगे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में, इनका जो पूरा प्रोसेस है इसको कई बार भी इवेल्युएट किया गया है। पहले बार जो थी पूरी वर्कशॉप स्टार्ट से लेके एंड तक चलती थी, उसके बाद में इनके कई सेशंस बनाए गए, फिर पैरेलल सेशन कई सारे बनाए गए। तो आप देखेंगे जो इनकी अटेंडेंस की जो टोटल शीट्स आती हैं वो मिनिमम 5x3 प्लस 5x1, ये अलग अलग सेशन में देखेंगे तो अलग अलग आएंगे, तो करीब करीब 15 से 18-20 सीटें हमारी सिर्फ अटेंडेंस की आती। उसके बाद अगर देखने जाएंगे पोल्स की सीटें, तो ये जितनी बार भी आप पोल लॉन्च करेंगे और जितनी बार भी नया सेशन होगा उतनी नंबर ऑफ फाइलें पोल्स की भी होगी। तो ये जो अटेंडेंस जितनी टाइम होगा उतनी ही टाइम ये आपके पोल की सीट्स भी होंगी। वैसे ही ये जो क्विजेस हैं ये और टेस्ट ये इसी पोल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनको क्विज को देखेंगे तो ये डेली बेसिस पे रैंडम ऑर्डर में आते हैं, पोल्स भी रैंडम ऑर्डर में आते हैं, क्विजेस हम लोग डे लास्ट रखते हैं। इतना सारा जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है उसका पर्पस तो सिंपल सा ही है कि आप जो बात स्टार्ट वन से बोल रहे हैं डे एंड तक वो पूरी बात व्यक्ति सुने, और इस सुनने के क्रम में हम लोगों ने सर्टिफिकेशन एक वो हर्डल डाला है, मतलब इसको इस तरीके से करना चाहिए कि एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है तो ही उसको फल मिले, ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति आए अपने को थोड़ी देर के लिए इंगेज करे और उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये जो इंगेजमेंट है इसको प्रॉपर करने के लिए और हर बात को हर क्षण उस तक पहुंचाने के लिए इतना जो ये एक्टिविटी हम लोगों ने प्लान कर रखी है ये एक लाइवलीनेस भी वर्कशॉप के अंदर लेके आता है, आपकी इंगेजमेंट भी लगातार रहती है और आप कहीं से भी अपने को ऐसा फील नहीं करते हैं कि हम कहीं से उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज हैं इनको हम लोग पोस्ट प्रोसेस करते हैं। जब आपकी वर्कशॉप खत्म हो जाती है इसके बाद हम इन सारी फाइल्स को पोस्ट प्रोसेस करते हैं, और टोटल अगर देखेंगे इन एंड ऑल तो ये तो कुल मिलाकर के 6-7 एक्टिविटीज दिखती है, लेकिन बैकग्राउंड में तकरीबन लगभग 50-60 फाइलें होती हैं जिनको लेना कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ में, और उसके बाद रिकमेंडेशन बनती है ना? तो अगर उसको हम लोग एक डेमो के टर्म्स में देखना चाहें तो भी स्क्रीन पे देख लेंगे, और ये जो ट्रांसक्रिप्ट हमारी बन रही है वो इन्हीं से ही बन रही है, जूम के सॉफ्टवेयर के जो रिपोर्ट्स हैं उनकी एक्सट्रैक्ट्स, गूगल के एक्सट्रैक्ट्स, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो हमारे अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, हमारे पोल्स का क्राइटेरिया है, यानी कि मिनिमम सबसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति ने फॉर एग्जाम्पल 90% अटेंडेंस पे ही हम उसको पास करेंगे या सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड करेंगे, तो ये 90% थ्रू आउट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि उसने ओवरऑल या किसी भी समय अपना 90% कैसे भी कर लिया, ऐसा नहीं है। सेशन वाइज, डे वाइज और पूरे वर्कशॉप वाइज उसका जो एग्रीगेशन है इट शुड बी इन आर रिकमेंडेशन लेंगे। अगर उसमें किसी का पॉइंट भी 1-2 पॉइंट भी माइनस है देन द सर्टिफिकेट इज नॉट बीइंग रिकमेंडेड। तो ये बहुत रिगरस एक्टिविटी है। अगर इसको थोड़ा सा देखने के लिए जाएं तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे पॉइंटर है, किसी में थोड़ा बड़ा थोड़ा ज़ूम कर तो जो सीट्स हैं अपनी ना, अगर वो सीट्स देखने जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आप देखेंगे एक ट्रांसक्रिप्ट है, पैनलिस्ट है, नॉट रजिस्ट, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे नाम हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट बहुत सारा इसमें डेटा है। अगर नीचे डेटा को देखने जाएंगे तो ये डे वन की अटेंडेंस है, ये डे वन की इवनिंग की अटेंडेंस है, डे टू की इवनिंग अटेंडेंस, आगे की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे
तो ये डे 5 और अभी नहीं है और थोड़ा। हाँ फिर ये पोल्स की रिपोर्ट्स हैं। अब देखिए पोल्स हैं, पोल्स की कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके, मॉर्निंग के पोल्स हैं, इवनिंग के पोल्स हैं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। उसके साथ साथ आपके प्री असाइन, प्री वर्कशॉप सर्वे, पोस्ट सर्वे, असाइनमेंट 1, 2, 3, 4, आप इन सारी एक्टिविटीज को हम कंसोलिडेट करते हैं। और हर एक्टिविटी का उतना ही रोल है जितना कि पूरी वर्कशॉप में किसी के पार्ट करने का रोल है। अगर वो पार्ट कर रहा है और छोटी सी एक्टिविटी हमने प्लान करी है तो उसका वेटेज जो है ना वो अकॉर्डिंगली है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई एक सेशन नहीं करते हैं और हमारा काम हो जाएगा। इसे आपने ऐसा सोचा नहीं कि वो क्राइटेरिया के लिए थोड़ा मुश्किल बात हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्ट शीट, इन ये जितनी सारी सीट्स हैं उन सारी सीट्स का जो कंसोलिडेशन है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट में आता है। तो ट्रांसक्रिप्ट देखें तो ये तो कैंडिडेट की अपनी डिटेल है। आगे अगर लेके आएंगे भैया एच में नीचे की तरफ आ जाइए, H2 पे कर लीजिए, H2 पे कर लीजिए, किसी पे भी नीचे कर लीजिए, मतलब जो 2 वाला कॉलम है उस पे लीजिए बस, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखेंगे इसका वो बना कर सकते हैं फॉर्मूला वाला बात जो है, अगर वो पाइप को नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ तो ये देख पाएंगे कि एक-एक एक्टिविटी को, जैसे ये जो इस समय फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट इतना मैं इतना जरूर दिखाना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डे वन में अटेंडेंस कैलकुलेट हो रही है वो उन सारी सीट्स के अक्यूमुलेशन और उस पैरामीटर जो हमने परमिट किया है, जो एनसीसीआईपी सब कमेटी, एनसीसीआईपी कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस हैं कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम सर्टिफिकेशन करेंगे, उन क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम इनको रिकमेंडेशंस के लिए, ये डे वन का कैलकुलेशन था, ये डे वन के पोल का कैलकुलेशन है। ऐसे ही देखेंगे तो डे वाइज सभी का कैलकुलेशन है, और आप देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन का वेरिएशन अपने ही हिसाब से है जैसा उसका पार्टिसिपेशन है। आगे की तरफ अगर आएंगे, ये वर्कशॉप के जो माइनर डिटेल्स हैं उसमें भी हम लोग लेते हैं, व्यक्ति ने असाइनमेंट किया है या नहीं किया है उसकी पूरी बात को रखते हैं। भैया थोड़ा और आगे ले लें। फिर कैंडिडेट की रेटिंग्स आती हैं और ले लेंगे, कैंडिडेट ने क्या ऑब्जर्व किया है, उसके अपने रिफ्लेक्शंस हैं उसको देखते हैं। हाँ ये रेड वाला पार्ट ले लो बस, ये यहाँ से हम उसके सर्टिफिकेशन के लिए बेसिकली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि उसका कनेक्ट टाइम कितना है, उसकी अटेंडेंस कितनी है। कनेक्ट टाइम और अटेंडेंस दोनों डिपेंडेंट पैरामीटर हैं। कनेक्ट टाइम अगर उसका बहुत ज्यादा है, जैसे कनेक्ट टाइम अगर उसका बहुत ज्यादा है लेकिन अटेंडेड टाइम उसका अगर प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने सपोज डिवाइस लगाया, इंगेज कर दिया, अभी उसकी वर्कशॉप चल रही है और वो अपना सारा काम निपटा रहा है ना, तो ये इंगेज टाइम है। इंगेज टाइम इज नॉट मीन्स कि उसने वर्कशॉप करी है, वो वर्कशॉप अगर कर रहा है तो अपनी अपने पोल्स को भी रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। और आप सब लोग वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं तो आप देखते हैं कि पोल का कोई टाइम नहीं है, हमारी वर्कशॉप का जो फ्लो है उस फ्लो में हमारे को किसी भी पोल की किसी भी समय रिक्वायरमेंट हो सकती है, जरूरत हो सकती है, हम उसको उस समय पे लॉन्च करते हैं। वो लॉन्च होता है उसका अपना टाइम है, उसमें ही रिस्पॉन्ड करना होता है कैंडिडेट को, और वो रिकॉर्ड होता है उसको हम प्रॉपरली यूज करते हैं। उसके बाद उसकी क्विज का क्या परफॉर्मेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको उसके मार्क्स दिख रहे हैं, क्विज कैलकुलेशन को अगर देखने जाएंगे तो एक बैकग्राउंड की एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, एक तरह से एक मेजर प्रोजेक्ट है कि हम उसके क्विज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मार्किंग को कैसे लेके आते हैं। उसके साथ साथ ये जो एक्टिविटीज हैं, मतलब ये तो क्विजेज हम करते हैं, जैसे टोटल क्विजेज हमने एक वर्कशॉप में कितनी करी, जैसे इस कैंडिडेट ने 15 क्विजेज अटेंड करी है, बट इसका टेस्ट स्कोर जो है वो एक लेवल से बिलो है, तो ये इंक्रीमेंटेड नहीं है, दो ही हैड अ लॉट ऑफ अटेंडेंस, 93.7। वो नहीं समझ आया,
परसेंटेज अटेंडेड और कनेक्ट टाइम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? हाँ तो ये है ना, देखिए ये 83% है। हाँ ये केस ठीक है, तो जैसे इसको देखेंगे ना कि ये जो परसेंट कनेक्ट टाइम है, ये कैंडिडेट जो है ना ओवरऑल वर्कशॉप में मोर देन 80% अटेंड किया है, डिवाइस इसको मैं कहता हूँ डिवाइस इंगेज किया है, बट इस कैंडिडेट ने पोल्स नहीं किए हैं, सारे पोल्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं जितने मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि उसका अटेंशन लेवल उतना नहीं रहा है। अटेंशन लेवल को इस तरीके से भी मेजर करते हैं कि अगर व्यक्ति ऑन स्क्रीन है और कोई पोल प्रॉम्प्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अगर अटेंटिव है तो पोल को रिस्पॉन्ड करेगा, बट अगर वो पोल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और डिवाइस पे वर्कशॉप के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स कि वो व्यक्ति सिर्फ जुड़ा है, वो हमारे को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है हम नहीं कह सकते। तो एक एडिशनल पैरामीटर है पोल हमारे लिए जिसमें ये हम देखते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा भी है कि नहीं, एक्चुअली जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो ये वो केस है, ये जैसे 83.2 का केस है, ये रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा। आप आगे देखेंगे काफी सारा पैरामीटर 83.2 ऐसे 0 है और पोल्स में 65.3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये 65.3 है, ये इसका ओवरऑल पोल का परसेंटेज है, लेकिन हमने अभी बात की पीछे ले ली इसी वाले केस को, 70% क्राइटेरिया है। अच्छा क्राइटेरिया है ना, तो आप देखें ना, बिल्कुल देखिए ना, ये देखिए ना, पहले दिन इसकी अटेंडेंस भी बहुत खराब है, पोल भी बहुत ही खराब है, फर्दर हम देखिए इसके बाकी सारे क्राइटेरिया ठीक है, बट एक दिन हमने डेली बेसिस का भी बायरिंग लगाया हुआ है, तो डेली बेसिस का भी अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो भी हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये वो केसेस हैं। तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट बनाने की जो पूरी प्रोसेस है ना वो बहुत रिग्रस है, व्यक्ति को हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलैक्स नहीं करते हैं, पर्पस इतना ही है कि वो अगर पूरी तरीके से हमारी वर्कशॉप को ध्यान से सुन रहा है तो वो अच्छे से इंगेज हो रहा है और अच्छे से रिफ्लेक्ट भी कर पा रहा होगा। अगर वो नहीं सुन रहा है तो हम कहते हैं कि हमारी वर्कशॉप तो एक माला की तरह है, तो अगर माला प्रॉपरली उसके जो मूंगे हैं अगर वो इधर उधर बिखर रहे हैं, तो इसको थोड़ा आर्टिकुलेट करने की कोशिश करी है ऑनलाइन प्रोसेस में, इतनी सी ही बात है जिसके लिए पैरामीटर लगा करके उनको हमने कहा। तो जिसके पास सर्टिफिकेट आया है उसको प्रॉपर किया है तभी आया सर्टिफिकेट, अदरवाइज नहीं आया। हाँ अभी तक का तो यही रिकॉर्ड रहा है। बस इसमें एक बात यह है कि मान लीजिए किसी आदमी ने अपने स्टूडेंट को बिठा कर वर्कशॉप करा ली, तो उसका हम चेक करी है स्टूडेंट ने वर्कशॉप तो करी है, सर्टिफिकेट भले उस टीचर को मिला है, चलो उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में कोई एक तो है जिसने प्रॉपर्ली कुछ तो सीखा है। इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि जितने लोग सुन ले उतना अच्छा है, चाहे हैकर ही क्यों ना हो। जी अच्छा ही हैकर सुनने में। तो देखेंगे कि बहुत सारे केसेस हैं जो नॉट रिकमेंडेड में चले जाते हैं। जी बढ़िया। तो ये कैलकुलेशन जो है वो काफी रिगरस कैलकुलेशन है, और इसमें मतलब मैं बहुत सारे लोगों को आप में से जरूर देखना चाहूंगा कि जो लोग इसमें आए पार्ट करें और थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन अगर बनता है उनके स्किल सेट में आता है, इम्पोर्टेंट है स्किल सेट में आपके आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका मन है, दोनों का अगर कोई एग्जिस्टेंस होगा तो जरूर एक अच्छा आपके लिए अनुभव हो पाएगा, अच्छे से आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट वाले में भी ये थोड़ा और एक बता गया है आगे की तरफ, टाइम भी हो रहा है, बस एंड कर दिए ठीक है। खैर इसकी तो अब नहीं, वो वाला लगा पाएंगे क्या डैशबोर्ड वाला जो था? हाँ वो दिखा ऑनलाइन डैशबोर्ड था, बट वो कलर वाला साइज दिखेगा नहीं, वो ऑफलाइन होने में नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं, तो बेसिकली एक बस आपको एक झलक ही दिखाना था सिर्फ इस बात के लिए
कि यहाँ पे हमने कुछ मेंशन कर रखा है, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। तो जैसे ये हमने ट्रांसक्रिप्ट निकाला है, उसके लिए ये जो वर्कशॉप में अपने सारे रोल्स हैं, ये जो रोल्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन और वर्कशॉप स्टार्ट होने के पहले की एक्टिविटीज़ हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, जो एसीटी लेवल से और हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर मेंटर्स हैं, वो सारे लोग करते हैं, उनका एक प्रोग्राम होता है, मतलब वो एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर ये ट्रांसक्रिप्ट बनती है, ट्रांसक्रिप्ट बन के रिकमेंडेशन पहुँचना, ये एक लेवल का काम है, ये एक लेवल का वर्क है। उसके बाद अगर देखने जाएंगे तो अगर ये देखना हुआ हमको कि हमारे किस रीजन की क्या प्रोग्रेस है, किस स्टेट में क्या एक्टिविटीज, मतलब किस स्टेट में प्रोग्रेस लेवल क्या चल रहा है, या वर्कशॉप वाइज हमारी प्रोग्रेस कैसी रही है, कंपैरेटिव अगर स्टडी की बात करें, तो उनको भी हम देख सकते हैं। और इनको जो देखने का काम है, ये ट्रांसक्रिप्ट के जो रिजल्ट हैं उससे ही देख पाते हैं, तो ये पोस्ट वर्कशॉप एनालिसिस का काम है कि हम देख पाए कि हमारे किस रीजन में क्या एक्टिविटीज हो रही है, और कौन सा रीजन हमारा लीडिंग है और कौन सा रीजन हमारा लैगिंग है। लैगिंग का मतलब है जहां पर हमको और इन्फोर्स करने की जरूरत है, और एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है, वहां थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। ये तो रीजन की बात हो गई, बट अगर कोई स्टेट पर्टिकुलर में ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर भी हम देख सकते हैं। फ्यूचर के लिए जो हमारे काम हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, इससे एसोसिएटेड हैं, तो एक तो हमारा काम जो है वो डेटा क्लिनजिंग का है। बहुत सारा हमारे पास डेटा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ ऐसा डेटा भर देता है जो बहुत ही लिखने में एक ही नाम है, जैसे जितेंद्र भैया अपनी बात में कह ही रहे थे कि आपने अपने आपके कॉलेज का नाम किसी ने शॉर्ट फॉर्म में डाला, किसी ने लॉन्ग फॉर्म में डाला, किसी ने एक वर्ड लिखा और पी लगा दिया, किसी ने स्पेस करके किया, तो बहुत सारी वेज ऑफ मेथड्स हैं जिससे आपने अपने डेटा की एंट्री करी हुई है। तो वो डेटा क्लिनजिंग का एक बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो अगर डेटा यानी कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखें, तो रीजन वाइज हम रिपोर्ट्स आज की तारीख में बना पा रहे हैं, स्टेट वाइज हम लोग पूरे स्टेट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। आने वाले समय में हम यही जो मॉनिटरिंग लेवल है इसको थोड़ा और माइक्रो लेवल पर ले जा करके यूनिवर्सिटी लेवल पर कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंस्टीट्यूट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्रेस चल रही है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना काम कर पा रही है, कौन से इंस्टीट्यूट में वर्क लेवल क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट फेज में हम लोगों के करने का काम है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल वर्क है। इसमें देखेंगे तो हमारे कितने मेंटर्स रीजन वाइज प्रिपेयर है, कितनी यूएसवी 1 की फैकल्टी हमारी प्रिपेयर है, कितनी यूएसवी 2 की फैकल्टी हमारी प्रिपेयर है, ये सारा डेटा जो है वो रीजन वाइज है, हर रीजन में क्या तरीके का है, ये उसकी शीट है। ये सारा कंसोलिडेशन है, और ये जितना सारा कंसोलिडेशन आया है उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट के रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट के पोस्ट प्रोसेसिंग, ट्रांसक्रिप्ट के पोस्ट एनालिसिस, एक्सट्रैक्शंस, सिंथेसिस, और ये सुपर सिंथेसिस है एक तरह से कह सकते हैं, जो एक साथ एक सीट पे हम देख सकते हैं, और ये लाइव है। अगर हमारी कोई वर्कशॉप नहीं होती है, अपडेट होती है, तो ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, इसमें बहुत मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है अपडेट हो पाता है। इस तरीके से ये तो काम है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे ये जो ट्रांसक्रिप्ट का काम है, ये डेवलपमेंट एक फेज है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस एक दूसरा फेज है, और जो कि रिकरिंग वर्क है। डैशबोर्ड का काम है, वो मोस्टली तो चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, कई बार देखने की जरूरत पड़ती है, वो एक काम है जो एक एज ए मेंटेनेंस की तरह हो सकता है। फेस टू फेस के लिए भैया ने काफी सारी बात कर ली है, नई टीम भी हमारी उसमें बन रही है, लेकिन अगर किसी भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हम तो किसी भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो उसमें टेक्निकल वर्क के अलग अलग एंगल्स में इन्वॉल्वमेंट है ही, क्योंकि हर एक्टिविटी में कोई ना कोई टेक्निकल एक्टिविटी, टेक्निकल वर्क है, जिसको कंसोलिडेट करके एक जगह लाना और उस बात को एक फेज पे, एक पेज पे देख पाना,
कि कहाँ क्या किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है और कहाँ पे हमको अपने को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या टीम को एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो वो प्लेसेस हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन सारी जगहों से। तो ये सब बातें हैं, मुझे अभी तो इतना ही कहना है, अगर किसी के कोई और प्रश्न हो तो जरूर ले लें। भैया जैसे किसी एक पार्ट के रोल को प्ले करना हो इसमें और स्किल सेट है ठीक ठाक एक्सेल का, तो एक वॉलंटियर को दिन में या वीक में कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा कि इस टीम का पार्ट बन सके? वो अपने लेवल पे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमें इसके लिए तैयार हैं कि ये मतलब ये पूछेंगे और आप बता दो, मेरा 15 मिनट है, 15 मिनट काम दे देंगे आपको। इसको बस मैं एक मिनट लूंगा भैया उनकी बात का जवाब देने के लिए। ऐसे ही बात जो इन्होंने ऑफलाइन अभी यहाँ पे पूछी है, ऐसे ही बात करते करते इन्होंने एक बार फोन पे भी मेरे से पूछी थी। मन में आप ही बोल रहे हैं। और यही बात अपराजिता जी से भी एक बार मिली हो रही थी, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात मेरे से पूछी थी। तो मैंने बात का जवाब तो देखा जाए तो एक आधे सेकंड का ही है, वो मैं दे देता हूँ, एक मिनट लूंगा सिर्फ इसके लिए। वो ये है कि ये जो बात है ना, भैया ने कही कितने मिनट देना पड़ेगा, तो मैंने जवाब ये दिया था उस टाइम पे कि आपका उस समय स्किल लेवल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सॉफ्टवेयर की उस समय क्या है, ये बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा। और आप उसको कितने एंगल से एक ही प्रॉब्लम को देख सकते हैं ये तो बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा। वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उसको लिखने के लिए हार्डली एक या दो लाइन की जरूरत है, लेकिन वो एक या दो लाइन का फॉर्मुलेशन करने के लिए जो बैकग्राउंड में थॉट प्रोसेस है उसमें आपने कितनी स्थिति अपनी बना ली है बेसिकली, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात है, तो उसका तो प्रैक्टिस करने से आपका आ जाएगा कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना उसको आप विजुलाइज कर रहे हैं, विजन में आपके कितना है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कहते ना हुसैन बोल्ट जो है ट्रैक पे ओलंपिक में कुछ मिनट्स में समय बिताता है, एक दो मिनट, 100 मीटर की रेस है तो आप उतना ही बिताता है, उसमें उसको अरबों रुपये मिल जाते हैं, तो 9-10 सेकंड का अरबों रुपया ले रहा है, तो वैसा ही उतना ही है। जितना आपको समय लगाना है वो आपकी तैयारी पर निर्भर करेंगे, जितना तैयारी आपने करी है उसके हिसाब से। लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं अपना क्लोज करूँगा, क्योंकि ये जो जितना सारा मैं काम देख रहा हूँ करते हुए, जितना सारा काम हो रहा है, इसको आपकी तारीख में मैं देखता हूँ तो हमारे पास स्टैटिस्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की एंट्री है हमारे पास, और इतना सारा डेटा हैंडल करने की जो एक्सेल की अपनी लिमिट है और जो गूगल शीट्स की अपनी लिमिट है उससे हम क्रॉस हो चुके हैं। तो हमको अभी शिफ्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर पे जिससे हम इस डेटा हैंडलिंग को हैंडल कर सकें। SQL वन ऑफ दी कॉम्पिटेंट है, जिस मतलब एक ऑप्शन है जिसमें हम जा सकते हैं, तो अगर उसकी किसी की कॉम्पिटेंसी है तो वो एक अपने लिए अच्छा हो सकता है। और दूसरा जो मेरा अपना स्किल सेट है उसमें जो पावर बी आई है उस पर मैं अपनी लर्निंग कर रहा हूँ, इसको थोड़ा एक लेवल शिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें अगर कोई मेरे साथ काम कर सकता है या उस फील्ड में किसी का इंटरेस्ट है तो भी एक अच्छा अच्छा एक साथ हो सकता है उस चीज़ के। मुझे इतना ही कहना कुछ एक चीजें और देखी है जिसमें हम डेटा मैनेजमेंट को भी किसी एंगल के थ्रू यूज कर सकते हैं। हाँ, मुझे उसके लिए तैयारी करके उसको सीखना पड़ेगा तो जा सकते हैं, अगर मैं जाना चाहूंगा तो फिर मुझे सीखना पड़ेगा। बिग डेटा जब एनालाइज करते हैं डेटा बहुत बल्क में आता है, तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे आया था वो, आप हडूप या स्पार्क की हेल्प से कर सकते हैं। SPSS analysis का tool है, पर data store नहीं करेगा। पंचला का 2 करोड़ data जो है और इतने सारे columns जो हैं उसको करना और उसको process करना बहुत बड़ा काम है।
मतलब अभी मेरे को इसको पूरा रिफॉर्म करना ही करना है अभी सब। हाँ मतलब इसके लिए इसी को थोड़ा लीड लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे उसमें सीख करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरे को चैलेंज है कि आपने जो सजेशन दिए हैं उसमें फिर मैं अपनी लर्निंग कर पाऊँ। MySQL में कर सकते हैं, MySQL में कर सकते हैं, ठीक है।